मैपिंग मैपिंग बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। जो हमने डाइजेशन किया था उसी को अब हमें मैप करना है। तो मैप करने के लिए देयर इज टू केसेस, ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि आपके पास मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें कि कुछ आपके दो, ये साइज मैंने दे दिया 2 KB एंड यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन साइट है और ये है 3 KB, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केसेस में अगर आप देखेंगे तो देयर इज टू, अगर इसको डाइजेस्ट करेंगे तो आपके पास दो फ्रैगमेंट मिलेंगे, एक 2 KB का और एक लाइक 3 KB का। 2 KB जो है वो लेबल्ड होगा और 3 KB इज अनलेबल्ड, 3 KB जो है अनलेबल्ड होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इनकी मैपिंग करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि अगर हम इनकी मैपिंग करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल। ये मैपिंग करने के लिए यू कैन डू बाय टू मेथड्स, वन इज लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे करिए या आप करिए ऑटो रेडियोग्राम पे, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ऑटो रेडियोग्राम, ऑटो रेडियोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि ऑटो रेडियोग्राम या जेल पे जो होता है ये आपके ऑल बैंड्स मिलेंगे, ठीक है, ऑल फ्रैगमेंट्स जो हैं आपको जेल पे मिलेंगे, ऑल फ्रैगमेंट्स, स्टिकी भी और ब्लंट भी, स्टिकी हो या ब्लंट हो सब मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो है कुछ इस तरीके से अगर विजुलाइज करेंगे तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक 3 KB बैंड एंड 2 KB बैंड, ठीक है। बट इन द केस ऑफ ऑटो रेडियोग्राम व्हेन यू विजुलाइज इट, लाइक आप इसको ऐसे सर्च करें या आप रन करेंगे तो यू विल फाइंड कि ऑटो रेडियोग्राम में जो है सिर्फ लेबल्ड वन मिलेगा, क्या मिलेगा, लेबल्ड फ्रैगमेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ लेबल फ्रैगमेंट होगा और लेबल फ्रैगमेंट कहाँ पे होता है, सिर्फ स्टिकी एंडेड, तो ये जो होगा सिर्फ स्टिकी एंडेड जो है यहाँ पे फ्रैगमेंट मिलेगा, दैट इज 2 KB, जबकि यहाँ पे आपके 2 KB भी मिल रहे थे और 3 KB भी मिल रहे थे। अगर हम इस पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया तो ये आपको इन्वॉल्व हो रहा था। यह है जेल और ऑटो रेडियोग्राम का अंतर, जेल पे सब मिलेंगे, ऑटो रेडियोग्राम पे सिर्फ स्टिकी एंडेड मिलेंगे। तो आप साइट्स को आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है कि कौन है क्या क्या नहीं है, ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पे इन्वॉल्व हो जाती है। नाउ इसके अलावा स्टिकी और ब्लंट एंडेड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टिकी और ब्लंट एंडेड क्या है, बिकॉज नॉर्मली जो होता है स्टिकी एंडेड पे ओवरहैंग होता है, ठीक है। नाउ अगर हम ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि लाइक इस तरीके से चीजें जो है पाई जाती हैं, तो हियर अगर 5' टू 3', ये देखिएगा कि ओवरहैंग होगा तो यहां पर लेबलिंग करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए ये 3' है, ये 5' है, सॉरी ये 5' है और ये 3' है, तो देखिए ये 5' जो है वो ओवरहैंग है, यहाँ पे लेबलिंग आप आराम से कर सकते हैं, यू कैन डू लेबलिंग वेरी इजली ऑन द स्टिकी एंडेड, ठीक है। नाउ सो स्टिकी एंडेड में लेबलिंग आसान होता है, इसी वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। सिमिलरली अगर आपने डाइजेशन देखा तो मैपिंग देखना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक लीनियर DNA को कंसिडर करते हैं और उसकी मैपिंग देखते हैं, तो कंप्लीट डाइजेशन एंड मैपिंग, एक बार इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, complete digestion and mapping. Now, अब इस केस में देखिएगा कि आपके पास एक पर्टिकुलरली फ्रैगमेंट है, here 1, 2, 3, ठीक है, तो ये है 4 KB, 3 KB, 2 KB, 1 KB, ये 4, 3, 2, 1 KB है। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो आपको 4 KB मिलेगा, 3 KB मिलेगा, ठीक है, 2 KB और 1 KB। इसको जब आप लेबल्ड करोगे, जब आप लेबल्ड करोगे तो इस तरीके के केस में, मतलब लेबल्ड आप बोल सकते हो, कंप्लीटली डाइजेस्ट करोगे तो आपको 4 फ्रैगमेंट मिलेंगे। कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे? 4 फ्रैगमेंट। व्हेन यू रन ऑन द एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपको कुछ इस तरीके से 4 बैंड्स मिलते हुए नजर आएंगे, 4 बैंड्स मिलते हुए नजर आएंगे, क्या, 4, 3, 2 एंड 1। दिस इज लाइक, ये जो है आराम से आपको फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं, 4 फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे लीनियर DNA है तो N+1 का रूल भी लगेगा, जितना साइट उससे ज्यादा फ्रैगमेंट, 3 साइट्स इज देयर, सो देयर शुड बी द 4 फ्रैगमेंट्स, दिस 4 KB, 3 KB, 2 KB एंड 1 KB। अगर हम इसको लेबल कर देते तो ऑटो रेडियोग्राम में सिर्फ और सिर्फ किस कटर से है, मान लो कि ये जो हम बोलते इस तरीके से क्वेश्चंस में, जैसे कि इसी, ये तो नॉर्मल कटर, नॉर्मल आपने मैपिंग कर दी, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा इसी सेम साइट पे, थोड़ा सा मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पे है 4 KB का फ्रैगमेंट, इसके बीच में साइट है, ये है EcoR1, ठीक है, इसके बाद है 3 KB और यहाँ पे है आपका हिंद 3, इसको बोल सकते हैं कि HAE3 का साइट है और यह है 2 KB,
ठीक है। तो नाउ ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि जब इसको डाइजेस्ट करोगे, आपने इस तरीके से किया, अब इसको बाद अगर आप इस तरीके से काम करते हो, लेबलिंग किया, लेबलिंग करने के बाद आपने मैपिंग की, तो देखिएगा कि यहाँ पे ये एंड जो है स्टिकी होगा और ये एंड भी स्टिकी होगा। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना कि दो एंड आपको स्टिकी मिलेंगे और ये ब्लंट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इको आर वन स्टिकी जनरेट करता है एंड हिंद थ्री एच ए ई थर्ड जो होता है वो ब्लंट होता है, ठीक है। तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ये वाला एंड जो है स्टिकी मिलेगा जहां से लेबलिंग हो सकती है, और ये वाला एंड स्टिकी मिलेगा जहां से लेबलिंग हो सकती है। तो 4 KB पे लेबलिंग हो जाएगा 3 KB पे, बट 2 KB जो है अनलेबल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? अनलेबल्ड मिलेगा। सो नाउ जब आप इसको रन करोगे तो दिस लाइक टू केसेस में जब आप रन करेंगे तो यह है एग्रोज एंड दिस इज लाइक ऑटो रेडियोग्राम। ऑटो रेडियोग्राम में देखेंगे तो आपको दो अलग अलग फ्रैगमेंट मिलेंगे, मतलब देखिएगा कि मैं एग्रोज पे रन करूंगा तो आपको 3 फ्रैगमेंट मिलने चाहिए, जबकि अगर हमने आपको ऑटो रेडियोग्राम में किया तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा, 4, 3, 2 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 4 और 3 मिलेगा। इस तरीके का फ्रैगमेंट मिल रहा है, तो वी कैन से दैट ऑटो इनके बीच में 4 और 3 के बीच में जो साइट है वो आपका इको आर वन का होगा। अगर नहीं भी दिया होता, ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन साइट 1 है और 2 है, तो ये बता सकते थे कि ये दोनों एंड जो है लेबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है लेबलिंग हो रही है, और लेबलिंग होने के लिए यहाँ पे स्टिकी इंडेड कट का साइट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड मैपिंग, इस तरीके से केसेस में आ जाते हैं। पार्शियल भी करेंगे तो उसी तरीके से फ्रैगमेंट लेबल्ड के फॉर्म में, जो आपको बताया गया था लेबल्ड अनलेबल्ड अलग अलग के फॉर्म में बनते रहेंगे, ठीक है। सो नाउ अगर पार्शियल डाइजेशन भी आप देखना चाहते हैं तो लाइव मैं बता देता हूं, जो हमने पिछले अभी किया था उसी चीज को मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। लाइक पार्शियल डाइजेशन एंड मैपिंग, अगर आपको डाइजेशन समझ में आ गया है तो मैपिंग समझने में कुछ दिक्कत होगी नहीं। मैं आपको डाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि पिछले में मैंने आपको लेबल करके इस तरीके से फ्रैगमेंट बताया था, अगर याद आ रहा हो तो, एक था 4, एक था 3, एक था 2 और एक था 1। इसमें जो था लेबल्ड मिलेगा 4, कौन सा मिलेगा, मैंने आपको तरीका बताया था, पहले तो कंप्लीट, ठीक है, पहले तो देखिए कंप्लीट, इस तरीके से आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी हाउ यू विल फाइंड द लेबल्ड वन। लेबल कैसे फाइंड करेंगे, पहले कंप्लीट, फिर उसके बाद एक साइड से पहले कंप्लीट हो गया था, नाउ दिस इज लाइक उससे एक स्टेप पहले, उसके बाद ये एंड उसके बाद एक स्टेप और पहले यहाँ पे, और देन दिस ईयर। तो व्हेन यू सॉल्व इट दिस इज लाइक 4, 3, 2, 1, 10, 4, 3, 2, 9, 4, 3, 7 एंड 4। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 लेबल्ड मिल गए, ये जो है आपके क्या है, दिस इज द लेबल्ड वन। और अनलेबल्ड भी आपको बताया गया था, अनलेबल्ड में अगर आपने देखा होगा तो 4 KB मिल रहा था, 3 KB भी मिलेगा एंड उसके बाद सॉरी 4 KB 7 KB मिलेगा। अनलेबल्ड को उल्टा लेके चल लो, अगर अनलेबल्ड इसमें फ्रैगमेंट निकालना हो तो दिस इज लाइक, ये देखिए लेबल्ड निकाला, मैं इसी का अनलेबल्ड निकालना बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर विदाउट कटिंग की। अगर आपको कैसे पता करना कि अनलेबल्ड कौन कौन से फ्रैगमेंट बनेंगे तो देखिएगा, ये 4, 3, 2, 1, ठीक है, साइट मिल गया। चलो अब देखो अनलेबल्ड में पहले एक बार चला तो 1, ठीक है, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इसी तरीके से चलना है, ठीक है, दिस ट्राई, फर्स्ट एक बार, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है, ये मिलेगा अनलेबल्ड, 1, 2, 3 इस तरीके से, देन देयर इज केसेस हियर इज लाइक इसमें, और एक बार ये भी मिलेगा, ठीक है, एक ये मिलेगा अनलेबल्ड के केसेस में, ठीक है, और एक बार सिर्फ और सिर्फ इतना मिलेगा। सो इसमें क्या है, जोड़ीदार के केसेस में आपको चल रहे थे, एक केस में आपको सिर्फ जो है ए मिलेगा, ठीक है, इन दिस वन, इसके बाद दिस एक केस और भी है जो कि ये मैं भूल गया, दिस वन 2। तो आपको क्या करना है, देखिए एक बार ये, एक बार ए, एक बार ए, एक बार दोनों की जोड़ी, एक बार तीनों की जोड़ी, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा केस जो है बना लेना था। तो एक है 4 KB, फिर उसके बाद दिस इज 3 KB, इसके बाद दिस इज 7, इसके बाद है 5 एंड दिस इज 3, 3 ऑलरेडी मिल चुका था, 3 एंड दिस इज 2, और उसके बाद अल्टीमेटली सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 1 KB। तो ये जो 1, 3, 2, 4, 5, 7, तो ये केस आपके अलग अलग फ्रैगमेंट्स के पार्ट में मिल गए, ठीक है, 1 भी मिला, 2 भी मिला,
थ्री भी मिला, फाइव भी मिला, सेवन भी मिला। तो ये फ्रैगमेंट कैसे निकाल के, आप एक बार ये, एक बार ये, ये इस तरीके से तीन बार कर दिया, उसके बाद इन दोनों का तीन, फिर उसके बाद इन दोनों का, फिर उसके बाद पूरा का पूरा कंबाइंड, ठीक है। सो दिस इज द केस जो कि आपको करना था, यहाँ पे वो एक दो तीन कॉमन हो रहा था एंड ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो जब आप इसको लर्न करते एग्रूट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राम पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जब आप करेंगे तो एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पूरा का पूरा फ्रैगमेंट मिलेगा, जैसे कि आपको 10 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा। 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, दिस इज लाइक एग्रोथ, ये जो है एग्रोज की बात आ जाएगी। नाउ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे लेबल्ड वन के लिए 10, 9 मिलेगा, 7 मिलेगा और 4 मिलेगा, ये केस हो जाएगा लेबल्ड के लिए द 10, 9, 7 एंड 4 फॉर द ऑटो रेडियोग्राम। ऑटो रेडियोग्राम में ये मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज लाइक ई पार्शियल डाइजेशन के केस में ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। नाउ ये तो था बेसिक मैपिंग, अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, जो मैपिंग की बात होती है। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था वहां की मैपिंग के ऊपर बात करते हैं कि वहां पे मैपिंग के लिए देयर इज लाइक लाइगेशन। जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी मैपिंग कैसे होती है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इनके लाइगेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो लाइगेशंस दे कैन बी मल्टीपल टाइप्स, ठीक है। लाइगेशन जो है अलग अलग टाइप के लाइगेशंस हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लाइगेशन कैन बी लाइक, बहुत सिंपल सा फंगा है, ध्यान देना कि लाइगेशन कैन बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लाइगेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो सकता है, या इसको बोलते हैं राइट ओरिएंटेशन में, या दिस कैन बी लाइक एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, हम इसको बोलते हैं अपोजिट ओरिएंटेशन में, या ये हो सकता है आपका रिपीट ओरिएंटेशन में। रिपीट जो है वो आपके टैंडम भी हो सकते हैं, या रिपीट में जो है वो टैंडम रिपीट हो सकता है या रैंडम रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो इट वॉज लाइक कि टैंडम रिपीट है या रैंडम रिपीट, इस तरीके से हो सकते हैं। नाउ राइट ओरिएंटेशन का मतलब है, फॉर आपके एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट ये पे आ जा रहा है ए बी एंड सी, तो किसी भी इस पर्टिकुलर केस में देखिएगा कि राइट ओरिएंटेशन में सीधा सीधा ओरिएंट हो जाएगा ए बी एंड सी, दिस इज राइट ओरिएंटेशन। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से था, इसको अपोजिट ओरिएंटेशन में कैसा इंसर्ट होगा, सी बी एंड ए, दिस इज द वन। टैंडम रिपीट में क्या हो जाएगा कि दिस शुड बी लाइक ए बी सी, इसी के साथ फिर से जुड़ेगा ए बी एंड सी, दिस इज लाइक टैंडम रिपीट। रैंडम रिपीट का मतलब है कि एक यहाँ पे और एक कहीं जाके और कहीं पे, सो दैट इज लाइक कि कहीं और जाके रिपीट हो रहा है, तो ए बी सी हियर एंड ए बी सी हियर, दैट इज लाइक रैंडम रिपीट। तो ध्यान देना कि कौन सा ओरिएंटेशन में लाइगेट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ओरिएंटेशन का लाइगेशन क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं पहले राइट ओरिएंटेशन के लिए, लेट्स टॉक अबाउट द राइट ओरिएंटेशन फर्स्ट। अगर हम राइट ओरिएंटेशन के ऊपर बात करते हैं तो एक देखिएगा वेक्टर है, दिस इज लाइक सिंपली अ वेक्टर, ठीक है। यहां पे एक आपका कंस्ट्रक्ट के ऊपर बात करते हैं, एक वेक्टर है, एक डीएनए है, ठीक है। सो सी हियर, वेक्टर में जो है दिस इज अ वेरी सिंपल, ये है बैम एच वन की साइट है, और यहां पे जो है ये है HIN3 की साइट, इनके बीच में जो साइज है दैट इज 0.5 KB, और टोटल जो है वो 5 KB का है, मतलब ये बैकबोन जो है इधर वाला हिस्सा जो है 4.5 KB का हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से अगर आप देखें तो यहां पे आपका कुछ ये इंड है, ये है, इसके बीच में ये जो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि ये है 0.5 KB का फ्रैगमेंट और यह 1.5 KB का फ्रैगमेंट, ये है साइट ECO-R1। इन्होंने बोला कि ये राइट में है, वो ओरिएंट कर रहे हैं, मतलब राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जो है आप इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, बीच में अगर हम नॉर्मली बोले बैम एच वन साइड पे, आपने क्या किया कि ये जो है बैम एच वन से क्लिक किया और बैम एच वन से आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, कहाँ पे बैम एच वन पे,
कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो? बैम एच वन पे, एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, बैम एच वन पे। जब बैम एच वन पे इंसर्ट करोगे तो दिस शुड बी लाइक दिस, देखिएगा इस तरीके से है। मैं ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, छेड़खानी करने का मतलब यहाँ पे जो है आपने बैम एच वन से शुरू कर दिया, ये जो है ये देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे है 0.5 और ये इको आर वन होगा, उसके बाद 1.5 केबी के बाद, ठीक है, ये इस तरीके से जी इस यहाँ पे 1.5 केबी होगा। इसके बाद जब ये जीन लाइगेट होने के 0.5 केबी के बाद, 0.5 केबी के बाद जो है हिंद 3 मिलेगा, एंड दिस इज लाइक इसके ये जो है 0.5 केबी, और जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो जो है ये आपका 4.5 केबी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आपने किस में किया है? राइट हैंड ओरिएंटेशन में, राइट ओरिएंटेशन में किया हुआ है, सीधे जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में कर दिया, इसी डायरेक्शन में सेम। देखो ये आपने इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दिया। नाउ अगर आप इसको लाइगेट करते हो तो आप इसके कई अलग अलग पर्टिकुलर डाइजेशन हो सकते हैं। तो ये आपने पूरा का पूरा ओरिएंट कर दिया। इसको मैं डाइजेस्ट करने से पहले लेट मी जूम इट, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यहां पे क्या केस चल रहा है, ठीक है? तो अब आप ध्यान देने की कोशिश करना कि ये पूरा का पूरा आपने साइट यहीं से बैम एच वन से किया था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है पूरा का पूरा 0.5 के बी पे इको आर वन की साइट है, उससे जो है आपका पूरा का पूरा 1.5 के बी पे जो है इंसर्ट हो गया था, एंड देन आफ्टर दैट बिकॉज ये इंसर्ट है, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये काम कर रहा था। नाउ अगर मैं इसको कहूं कि देखो अगर आप इसको इको आर वन से डाइजेस्ट करो, अगर आप इसको इको आर वन से डाइजेस्ट करो तो आपको टोटल यहां से कट करोगे तो टोटल 7 के बी, क्योंकि 5 के बी ये था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 के बी का था, तो टोटल 7 के बी का लीनियर डीएनए मिलेगा, क्योंकि लीनियर मिलेगा यहां से कट करके इसको लीनियर कर देगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 के बी आ जाएगा। अगर आप इसको हिंद 3 से करो तो सेम आपको क्या मिलेगा, 7 के बी का लीनियर डीएनए। लेकिन अगर आपने इसको डबल डाइजेस्ट किया, डबल डाइजेशन का मतलब क्या है, दैट इज लाइक डबल डाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया कि आपने इको आर वन प्लस हिंद 3 दोनों से डाइजेस्ट किया। अगर आप देखो इको आर वन और हिंद 3 से, इको आर वन की साइट है यहां पे, हिंद 3 की साइट है यहां पे, यानी कि इनके बीच का पोर्शन ये वाला है, एक ये बैंड मिलेगा और इसके एक अपोजिट वाला मिलेगा, मतलब एक वाला एक पोर्शन ये मिलेगा और दूसरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक, ठीक है? सो एग्जैक्टली देखिएगा कि तो ये पोर्शन कितना है, जब करेंगे तो आपको मिलेगा एक 2 के बी का फ्रैगमेंट और दूसरा मिलेगा एक 5 के बी का फ्रैगमेंट, ठीक है? सो दिस वुड बी लाइक, ये जो है कैसे है राइट ओरिएंटेशन में, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिस इज लाइक ये जो है राइट ओरिएंटेशन की बात हो रही थी, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू कैन सॉल्व इट। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जब आप इसको जेल पे लर्न करेंगे, ठीक है, डबल डाइजेशन के बाद जेल पे रन करेंगे तो यू विल फाइंड टू बैंड्स। अगर जेल पे रन करते हैं तो आपके पास दो फ्रेगमेंट के मिलेंगे, एक मिलेगा 5 के बी का और एक मिलेगा 2 के बी का, यह रन करने का इस पर। सो ये क्या है, इस तरीके से राइट हैंड ओरिएंटेशन है, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है? नाउ अब इसके ऊपर हम बात करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द रिवर्स डायरेक्शन। सेकेंड वन दैट इज रिवर्स डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो कैसा होगा, बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। अगेन दिस इज लाइक एक हमने वेक्टर लिया, यह है वेक्टर, इसके बाद आप क्या करोगे, एक जीन लोगे, ठीक है? सेम देखिएगा कि मान लीजिए वेक्टर में वही सेम उसी तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, सेम एक्सपेरिमेंट, यहाँ है बैम एच वन, सेम ये है हिंद 3, ठीक है? इनके बीच में जो डिस्टेंस है 0.5 के बी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है 4.5 के बी। यहाँ पे जो है अगेन ये जो साइट है इनके बीच में पाया जा रहा है इको आर वन
और ये जो साइड पर आ जा रहा है इस तरीके से, ये देखिए 0.5 केबी का फ्रैगमेंट है यहाँ पे और ये 1.5 केबी का, टोटल कितना है भैया 2 केबी का। ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब ये चीज़ है, अब यहाँ पे ओरिएंटेशन रिवर्स होगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा रिवर्स डायरेक्शन में कि कैसे कर रहे हैं, रिवर्स करना है तो आप इस डायरेक्शन में करेंगे या उल्टे डायरेक्शन में, आप इसको पहले रिवर्स करिए। नाउ यू हैव टू मेक इट रिवर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स डायरेक्शन पहले रिवर्स तो करो। रिवर्स करेंगे तो ये देखिएगा कि यहां से अब ये जो है ये 1.5 केबी का इधर आ जाएगा और इको आर वन जो है यहां पे हो जाएगा 0.5 केबी, ठीक है। नाउ अब इस तरीके से पूरा का पूरा अब इनको लाइगेट करना है, इसको क्या करना है आपने, इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके नाउ यू हैव टू लाइगेट इट। जब इसको लाइगेट करोगे तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक या दिस वन। नाउ देखिएगा अगेन यहां से इंसर्शन हुआ था, यहां से जो है पूरा का पूरा केस बढ़ते बनते 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 इस तरीके से यहां तक मान लो आ गया। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आके ये शुरुआत यहां से हुई थी जीन ऑफ इंटरेस्ट की और इसे 1.5 केबी पे इको आर वन आ रहा था एंड 0.5 केबी इधर था एंड इसके बाद 0.5 केबी पे ठीक है क्या था हिंट थ्री। एंड अगेन जब आप इसको डाइजेस्ट करोगे देखिएगा ये है इको आर वन यहां पे और ये है हिंट थ्री, तो एक फ्रेगमेंट तो आपको ये मिलेगा और दूसरा ये पूरा वाला, मतलब एक फ्रेगमेंट आपको इतना मिलेगा दूसरा यहां तक मिलेगा, ठीक है। तो सेम वही चीज है, आप इसको कर सकते हैं आराम से डाइजेस्ट करिए, यू विल गेट द थिंग्स एंड आपको दो फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। आपको मिलेगा क्या, एक मिलेगा जिसमें आधा का 0.5 केबी का ये था 0.5 ए, दैट शुड बी टोटल 1 केबी, एंड एक फ्रेगमेंट मिलेगा जिसमें 1.5 केबी था जीन, ठीक है, एंड 4.5 केबी का जो था बैकबोन था वेक्टर का। एंड यू विल फाइंड अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको मिलेगा एक 5.5 केबी और एक 1 केबी का फ्रैगमेंट, यू विल फाइंड 1.5 केबी फ्रैगमेंट एंड एक 1 केबी का फ्रैगमेंट मिलेगा। दिस इज द केस इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये क्या था, ये आपका रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। यू कैन सॉल्व इट एंड ईजिली आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी 5.5 नहीं 6 मिलेगा, 4.5 इन प्लस 1.5 है ना, तो ये 6 केबी का मिलेगा, ठीक है। चलो सो दिस इज लाइक रिवर्स डायरेक्शन, लेट्स टॉक अबाउट द रिपीट्स। जब हम रिपीट्स के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सीधी सी बात है, ठीक है, रिपीट्स जो है उसी डायरेक्शन में किया जाएगा। जब हम रिपीट्स के ऊपर बात करते हैं अगेन सेम क्वेश्चन ले लो, अगेन आपके पास एक वेक्टर है, अगेन आपके पास एक जीन है, अगेन वही सारी की सारी चीजें। इसके पास देखिए यहाँ पे बैम एच वन से आप डाइजेस्ट करोगे, यहाँ पे भी बैम एच वन से डाइजेस्ट करोगे, ठीक है, आपने डाइजेस्ट किया बैम एच वन से बेसिकली इस तरीके से। बीच में जो है पाया जा रहा है इको आर वन, ये जो है 1 के बी है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ 0.5 के बी और दिस इज 1.5 के बी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बोले तो देखिएगा ये क्या है, ये है बैम एच वन, बैम एच वन किया आपने, फिर इसके बाद बैम एच वन पे इंसर्ट किया और इसके साथ साथ ये जो है हिंद थ्री जो है ये चीज चल रही थी। नाउ हम थोड़ा सा इसको ये चीज करने के बजाय, रिपीट्स करने के बजाय एक नॉर्मल पार्ट में ये सारा का सारा केस जो है इन्वॉल्व हो रहा था। अब देखिएगा कि रिपीट्स के केसेस में मैं बैम एच वन को अभी हटा दे रहा हूँ, अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था कि ये पूरा का पूरा केस जो था वो चल रहा था, जब आप इसको लाइगेट करोगे, ठीक है, अगेन इसके बीच में मैं डिस्टेंस दे देता हूँ वही 0.5, ये है 4 लाइक टोटल जो है 5 के बी है। लाइगेट किया अगेन बैम एच वन के साथ, जब लाइगेट किया यहाँ पे कट किया, कट करने के बाद लाइगेट किया तो विल अगेन फाइंड द थिंग्स, लेकिन यहाँ पे रिपीट के फॉर्म में ऐड हो गया। जब रिपीट के फॉर्म में ऐड होगा वो भी टैंडम, कैसा ऐड हुआ है टैंडम, जब टैंडम रिपीट ऐड होगा तो एक बार देखिएगा कि ये पूरा का पूरा जीनोम ऐसे होगा, फिर उसके बाद टैंडम रिपीट हुआ, ठीक है।
टैंडम जब रिपीट होगा ये पूरा का पूरा जो जीनोम पार्ट था, तो इसमें जो है कैसे दो इको आर वन के साइट अब मिलेंगे, ठीक है। जब टैंडम रिपीट होगा तो यहाँ से शुरू हुआ था और बीच में ये जो है इको आर वन मिला जो कि 0.5 के साथ होगा, बीच में ये 1.5, यहाँ से फिर 0.5 छोड़ के फिर इको आर वन की साइट मिलेगा एंड फिर उसके बाद ये 1.5 है, फिर 0.5 छोड़ दोगे तो हिंद 3 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो टैंडम रिपीट हुआ है पूरा का पूरा, अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज लाइक अ टैंडम रिपीट। ये हुआ क्या है, ये टैंडम रिपीट की बात है। जब टैंडम रिपीट हुआ है तो दिस इज द केस। अब इसको आपने क्या किया, डाइजेस्ट किया। अब इसमें आपने क्या किया, डबल डाइजेशन इको आर वन एंड हिंद 3 के साथ। नाउ देखो अब यह है एक इको आर वन यहां पे है, एक इको आर वन यहां पे है, हिंद 3 यहां पे है। तीन साइट है यानी तीन फ्रैगमेंट मिलेंगे सर्कुलर वन में, तो एक फ्रैगमेंट मिलेगा ये वाला, दूसरा फ्रैगमेंट मिलेगा ये वाला, सॉरी। तो ये जो है अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला था, दिस इज लाइक केस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये चीज चल रही थी, तो एक फ्रैगमेंट आपको कहाँ मिलेगा, यहां से लेके यहां तक, एक फ्रैगमेंट मिलेगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस इक्वल आर वन से, और एक पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक मिलेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक करोगे तो एक फ्रैगमेंट शुड बी 1.5 प्लस 0.5 दैट इज 2 KB, दूसरा फ्रैगमेंट जो मिलेगा 1.5 प्लस 0.5 दैट इज 2 KB एंड तीसरा जो मिलेगा 0.5 प्लस 0.4.5 दैट इज 5 KB। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके का फ्रैगमेंट जिसमें एक 5 KB का मिलेगा और एक 2 KB का थिक बैंड मिलेगा, क्योंकि वहां पे दो 2 KB के बैंड आ जाएंगे। तो दिस इज द केस। तो ये जो है आपका ये पूरा का पूरा केस जो है इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रिपीट जो कि टैंडम रिपीट की बात की जा रही है। तो टैंडम रिपीट में इस तरीके से चीजें चल सकती हैं। नाउ तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि इफ द रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऑन द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट ऑन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर नॉर्मली बात करते हैं टैंडम रिपीट के केसेस कहाँ पे बनेंगे, कि नॉर्मली के जैसे कि कैसे केस बन सकते हैं, कि जैसे एक ट्रिक है यहाँ पे टैंडम रिपीट का, केस कब हो सकता है, कब चीजें हो सकती हैं, दैट हियर इफ एक ट्रिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान देना, दैट इफ द रिस्ट्रिक्शन साइट, इफ द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो यहां पे बैम एच वन अगर मैं कर देता, यहां पे भी बैम एच वन कर देता फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे बहुत अच्छे चांसेस है टैंडम रिपीट होने के। मान लो कि ये आपका वेक्टर है और ये है आपका केस, जब दोनों इसको हम जिससे डाइजेस्ट कर रहे हैं बैम एच वन से, और इसके साथ भी बैम एच वन है, ठीक है, तो यहां पे चांसेस बनते हैं कि टैंडम रिपीट हो सकता है। सो दिस इज द केस, ये लाइन जो है यही कह रही है, ठीक है। सो होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से आते हैं, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन अगर कभी कभी पूछा जाता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया, अप्लाई दिस थिंग्स, कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, आगे भी बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, थैंक एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।